हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गीतांजलि शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मेरी किट्टी आउटिंग है और आज मैं मेरी किट्टी में फर्स्ट टाइम फॉल्स नेल्स लगाने वाली हूँ जो मुझे रिसीव हुए हैं बेरोंट से। ये बेरोंट के प्रेस ऑन फॉल्स नेल्स हैं जिन्हें आप इन स्टिकर्स से भी लगा सकते हैं, जिससे ये आप इन्हें रीयूज कर सकते हैं और इस ग्लू से भी लगा सकते हैं। ग्लू से लगाए हुए नेल्स को भी आप रीयूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने कितना केयरफुली उनका यूज किया है। मैं दोनों ही तरीके से आपको ये नेल्स लगा के बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन्वॉल्व करूंगी अपनी भाभी जी को, उनको मैं स्टिकर्स के साथ ये नेल्स लगाऊंगी और खुद मैं ग्लू के साथ ये नेल लगाऊंगी। तो लेट्स सी। सो गाइज, ये है मेरी स्वीट स्वीट भाभी जी सरिता शर्मा और आज हम दोनों ये नेल्स लगाएंगे। भाभी जी को मैं लगाने वाली हूँ ये मरून नेल्स और मैं लगाऊंगी ये ग्रीन नेल्स। भाभी जी को जो नेल्स मैं लगाऊंगी वो स्टिकर के यूज से लगाऊंगी और मैं यूज करूंगी ये ग्लू। तो चलो शुरू करें भाभी जी। तो यहाँ पर मैंने नेल्स को फिंगर वाइज सिलेक्ट करके रख लिया है। अब मैं भाभी जी के नेल्स फाइल करूंगी, उनके क्यूटिकल्स रिमूव करूंगी और फिर उनके हाथों पे ये मैरून नेल्स लगाने स्टार्ट करूंगी। और ये सब एक्सेसरीज किट में साथ ही आती हैं। और ये नेल वाइपर भी साथ ही आया है, तो मैं नेल्स को वाइप करके भाभी जी के सारे नेल्स पे अच्छे से स्टिकर्स को स्टिक कर दूंगी और इन स्टिकर के ऊपर की लेयर को रिमूव करके हम उस पर आराम से नेल स्टिक कर देंगे। इट इज वेरी इजी। ये देखिए, यहाँ पर मैं नेल स्टिक कर रही हूँ और कितने इजीली एक ही बार प्रेस करने से ये नेल अच्छे से स्टिक हो रहे हैं। और देखिए ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और ब्यूटीफुल लगने के साथ साथ ये बहुत नेचुरल भी लग रहे हैं। Look at these nails, just wow! So guys, it's my turn now. अब ये green nails मैं लगाऊंगी, लेकिन बस फर्क इतना है कि मैं लगाऊंगी glue के साथ। तो मैंने same process किया है जैसे भाभी जी का किया था, nails file किए, wipe किए और cuticles remove किए और फिर आती है बारी nails लगाने की। तो गाइस, मैंने अपने नेल के सरफेस पे ये जो ग्लू है इसकी कुछ ड्रॉप्स डाली, उसे स्प्रेड किया और अपने नेल्स पे लगा के ये नेल उस पे रख के अच्छे से प्रेस कर दिया और वो अच्छे से स्टिक हो गया। और 3 से 4 सेकंड बस प्रेस रखने से वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। और सी नाउ माय नेल्स आर रेडी। और देखिए, हम दोनों देवरानी जेठानी के हाथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वाओ, काश ऐसे मैं हमेशा टिका के रख पाऊं अपने नेल्स। तो हमने ये बर्मट नेल्स लगा लिए हैं, बहुत इजीली ये लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत लाइट वेट है, नेचुरल फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना भाभी जी, अपने जैसा नाखून लग रहा है ना। तो मैं रेकमेंड करती हूँ, प्लीज मैं इनकी आईडी, इनकी इंस्टा आईडी टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, जाइए इनके पेज को फॉलो कीजिए और इनसे ये नेल्स खरीदिए, बहुत ही अच्छे हैं। आई रियली रिकमेंड इट।